स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के साइंस 1 में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द्रव्य का मापन। तो इस चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर नंबर 1 में देखिए हम क्या क्या टॉपिक, वैसे ये चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। इसमें पढ़ना है हमें रासायनिक संयोग का नियम, परमाणु क्या होता है, उसका आकार, द्रव्यमान और उसकी संयोजकता क्या होती है, और अणु द्रव्यमान और मोल की संख्या, मूलक किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमें इस पूरे लेसन में कवर करनी है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोगों ने जो पिछले साल पढ़ी हुई हैं उसको रिकॉल करना है, याद करना है, थोड़ा रिमाइंड करना है। जैसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, यौगिक किसे कहते हैं, और नमक, कली का चूना, पानी, चूने का पत्थर, इन सब चीज़ों का अणुसूत्र क्या होता है। तो देखिए, अगर आपको पता है यौगिक किसे कहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइए। मैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। देखिए, डाल्टन जी ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि प्रत्येक पदार्थ जो भी है दुनिया में, चाहे वो पृथ्वी हो, बड़े से बड़ा पदार्थ अर्थ क्यों ना हो, और चाहे छोटे से छोटा पदार्थ क्यों ना हो, एक छोटा सा चौक का टुकड़ा विकर्ण क्यों ना हो, वो सभी प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, और इन कणों को ही क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्या बोलते हैं, एटम, जिसे इंग्लिश में एटम बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। अब परमाणु इतने छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म आकार के होते हैं कि न तो इन्हें बनाया जा सकता है और न ही इन्हें विभाजित किया जा सकता है, मतलब तोड़ा जा सकता है। और किसी भी प्रकार का अगर केमिकल रिएक्शन होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो इन्हें नष्ट भी नहीं किया जा सकता है, इनका विनाश करना भी पॉसिबल नहीं है। ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था। तो अगर इसे एक शब्दों में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि डाल्टन ने कहा था कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, इन सूक्ष्म कणों को ही परमाणु कहते हैं, परमाणुओं को न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इन्हें सूक्ष्म कणों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें अब उससे छोटा किया ही नहीं जा सकता, और ना ही इनको रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा इनका विनाश करना या नष्ट करना भी संभव है। अब हम दूसरा क्वेश्चन तो आपको बोले हैं कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि ये आप 7वीं 8वीं 9वीं तीनों क्लास में मैंने कई बार बताया है। और तीसरे प्रश्न पर आते हैं। देखिए, यहाँ पर नमक का अणुसूत्र क्या होता है, नमक का अणुसूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब कली का चूना क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना होता है। पानी का सूत्र आपको पता है, H2O होता है। चूने का पत्थर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। चूने का पत्थर क्या होता है, चूने का पत्थर नहीं, ये चूने का अणुसूत्र है। चूने का पत्थर होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सब चीज़ों का अणुसूत्र होता है, ये होते अणुसूत्र। देखिए, अणु जो है ये दो तत्वों से मिलकर बना है, जैसे नमक है ये सोडियम और क्लोरीन दो तत्वों से मिलकर बना है। जब कोई तत्व स्वतंत्र होता है, जैसे सोडियम है ये स्वतंत्र है तो ये तत्व है, लेकिन जब ये किसी दूसरे तत्व से मिलकर गया, जैसे क्लोरीन से मिल गया, तो ये सोडियम क्लोराइड अगर बनाया तो अब ये अणु बन गया है, इसी को यौगिक भी कहते हैं। तो आप वो यौगिक की एग्जैक्ट परिभाषा कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब हम आते हैं रासायनिक संयोग का नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए, रासायनिक संयोग का नियम क्या चीज़ें हैं, मैं वो एग्जैक्ट चीज़ें बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस बारे में खोज किया था। 18वीं और 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च निष्कर्ष निकाला, और जो पदार्थ निकला उस आधार पर बताया। इस विषय में जो खोज की गई थी वो डाल्टन के द्वारा, थॉमसन और रदरफोर्ड, इन वैज्ञानिकों ने जो पदार्थ क्या होते हैं और पदार्थ के परमाणुओं की संरचना, मतलब उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और केमिकल रिएक्शन का जो लॉ होता है वो क्या होता है, ये सारी बातें बताई थी। तो डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत मैंने अभी आपको बताया था, और जो रासायनिक संयोग के नियम के आधार पर वैज्ञानिकों ने कई यौगिकों और के अणुसूत्र लिखे। यहाँ पर देखिए, कुछ अणुसूत्र के आधार पर रासायनिक संयोग के नियम का सत्यापन आप देखेंगे कैसे होता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि एक शंक्वाकार पात्र तराजू लेना है। शंक्वाकार पात्र क्या होता है,
देखिए ये एक तराजू है, एक शंक्वाकार पात्र है और एक परख नली है। इसमें क्या है, ये संयोग का जो नियम है, इसमें जो परख शंक्वाकार पात्र है इस पात्र में सोडियम सल्फेट ले लिया गया है, और जो परख नली है इसी पात्र में उसको मिलाया नहीं गया, परख नली में डाला गया है कैल्शियम क्लोराइड। फिर इसको हिलाकर बड़े सावधानी से दोनों को मिक्स कर दिया गया है। इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, देखिए रिएक्शन होने से पहले जो ये रिएक्टेंट है, जो ये अभिकारक है, ये 300.23 ग्राम है। और फिर जब ये रिएक्शन हो जाता है, ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड में कैल्शियम सल्फेट का अवक्षेप नीचे जमा रहता है। अब ये दोनों निकला है तो इसमें गैस भी बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि इसके इसको इस पूरे जार को कॉर्क से ब्लॉक कर दिया है। तो रिएक्शन होने के बाद भी ये इसका जो वजन है ये 300.23 ग्राम है, और जो हमारा नया ये पदार्थ जो पहले था वो बदल के उत्पाद में परिवर्तित हो गया और दूसरा नया पदार्थ बना है, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट बना है। लेकिन इसका वजन जो है उतने का ही उतना ही है, यही है रासायनिक संयोग का नियम। ओवरऑल मिलाकर यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ें की गई है वही लिखा गया है कि कैल्शियम क्लोराइड का विलयन शंक्वाकार पात्र में लेना है और सोडियम सल्फेट को परख नली में लेना है। इसको धागे से बांधकर सावधानीपूर्वक पात्र में छोड़ना है, फिर रबड़ का कॉर्क लगाकर पात्र को वायु रुद्ध करना है, मतलब कि वायु का भी वजन ना हो, और इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। अब क्या करना है, इस पात्र को तिरछा करके परख नली को मिला देना है और पुनः शंक्वाकार पात्र का द्रव्यमान करना है। तो द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान में कुछ परिवर्तन हुआ, तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये क्या है, द्रव्य की अविनाशिता का नियम होता है। इसी तरह यहाँ पे देखिए एक बड़े शंक्वाकार में 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड लेना है और उसमें 18 ग्राम पानी मिलाना है। तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और ये 56 और 18 दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल जो हमने रिएक्टेंट लिया था अभिकारक वो 74 ग्राम था, और जो हमारा लास्ट में उत्पाद प्राप्त होगा वो भी 74 ग्राम ही प्राप्त होगा। यानी कि जो इधर रासायनिक अभिक्रिया होने से पूर्व जितना द्रव्यमान था, भार था, उतना ही बाद में भी रासायनिक अभिक्रिया के बाद में ये भार प्राप्त होगा। तो हमारा ये रासायनिक संयोग का नियम यानी द्रव्य की अविनाशिता का नियम ये होता है कि मूल द्रव्य का द्रव्यमान और रासायनिक परिवर्तन से जो निर्मित हुआ द्रव्य है उन दोनों का द्रव्यमान क्या होता है, समान है। सन 1785 में एंटोनी लवाइजर नामक फ्रेंच के जो वैज्ञानिक ने ये खोज करके ये निष्कर्ष निकाला, क्या निकाला वो ध्यान से सुनिए, कि रासायनिक अभिक्रिया होते समय द्रव्य के द्रव्यमान में वृद्धि या कमी नहीं होती है। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों यानी कि रिएक्टेंट का कुल द्रव्यमान और रासायनिक अभिक्रिया से निर्मित होने वाले उत्पादों जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका कुल द्रव्यमान समान होता है, इसे ही द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि द्रव्य की अविनाशिता का नियम क्या होता है। अब यही एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम प्रूस्ट था, ये भी फ्रेंच वैज्ञानिक थे, प्रूस्ट ने भी यही चीज़ प्रतिपादित किया है। इसे ही ये जो द्रव्य की अविनाशिता का नियम है वही स्थिर अनुपात का एक नियम है, एक तरीके से कह सकते हैं। इन्होंने क्या किया था कि जो स्थिर अनुपात का नियम है कि इन्होंने क्या किया, अलग अलग यौगिकों के अलग अलग नमूनों के घटक तत्वों का द्रव्यमान सदैव स्थिर रहता है। जैसे कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो 1:8 का होता है, ये स्थिर रहता है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में 8 ग्राम ऑक्सीजन होता है, तब जाके पानी का निर्माण होता है। फिर मतलब ये टोटल जो हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट है वो 9 ग्राम है, और हमें जब उत्पाद मिलता है तो भी वो हमें 9 ग्राम ही मिलता है। तो इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात होता है वो कार्बन का 3 ग्राम है और ऑक्सीजन का क्या है, 8 ग्राम होता है। और जब हमें पता है कि 44 ग्राम कार्बन में, क्योंकि 44 ग्राम कार्बन में क्या करते हैं हम, 44 ग्राम कार्बन में 12 ग्राम क्या होता है, कार्बन होता है, क्योंकि कार्बन 4 4 8 4 3 12 हो जाता है, और 32 ग्राम क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, 8 16 8 3 24 8 4 32 क्या होता है, 32 ग्राम क्या हो जाता है, ऑक्सीजन। तो क्या हो गया यहाँ पे टोटल 44 ग्राम में 12 और 32 जब हम जोड़ेंगे तो वो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होगा। तो ये क्या है, इसी को कहते हैं स्थिर अनुपात, मतलब कि
जितने जो तत्व का परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो स्थिर रहता है, चाहे हम जितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन इनका अनुपात सदैव क्या होता है, स्थिर रहता है। इस आधार पर उन्होंने कुछ बातें कही हैं, देख लीजिए कि रसायन शास्त्र का इन्हें जो है जनक कहा जाता है, आधुनिक एंटोनी लवाइजी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि रसायन शास्त्र का आधुनिक जनक या फादर कौन है। तो इन्होंने रसायन शास्त्र की तरह जीव शास्त्र, अर्थशास्त्र और वित्त शास्त्र क्षेत्रों में भी बहुत सारे अपने रिसर्च किए हुए हैं। इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की और ऑक्सीजन का नाम भी इन्होंने ही रखा था, और इन्होंने ये सिद्ध किया था कि ऑक्सीजन एक ज्वलन में पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है, और रासायनिक प्रयोग में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान अचूक ज्ञात करने की पद्धति का भी उपयोग इन्होंने किया था, जो अभी आपको मैंने बताया था। उसके बाद चौथा इन्होंने बताया था कि पानी और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, मतलब कि ये जो साइंटिस्ट हैं एंटोनी ने, इन्होंने ही बताया था कि पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, और रासायनिक अभिक्रिया का जो द्रव्यमान होता है वो सदैव स्थिर रहता है। ये भी बात सबसे पहले जो है एंटोनी जी ने ही बताई थी। इसके बाद यौगिक को उचित नाम दिया, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, कॉपर सल्फेट, जो नाम देना होता है वो देने की पद्धति भी इन्होंने स्टार्ट की थी। और सन 1789 में एलिमेंट्री ट्रीजीज ऑन केमिस्ट्री नामक आधुनिक रसायन शास्त्र का पहला ग्रंथ इन्होंने लिखा था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं स्थिर अनुपात के नियम का सत्यापन, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं और उसको सत्यापित किया गया है कि जितना हम जो है तत्व लेते हैं, तत्वों का जितना अनुपात, जितना रेशियो होता है, जो हमें उत्पाद मिलता है वो भी उतना ही रहता है। ये जो है मतलब प्रयोग द्वारा घटक तत्वों के द्रव्यमान का अणुसूत्र ज्ञात किया, फिर समान होता है, इसी को स्थिर अनुपात के नियम का इस तरह से सत्यापन किया गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे परमाणु क्या होता है, उनका आकार, द्रव्यमान और संयोजकता क्या होती है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।